हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको रूम टूर कराऊंगी इंटर्न हॉस्टल का। स्टार्ट करते हैं। तो ये गेट ओपन होते ही आपको सबसे पहले मैं दिखाऊंगी सारे शूज़ और वो सब जहाँ रखे हुए हैं। तो कोई अलग से रैक नहीं है मेरे पास, तो एकदम सब लाइन से यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद ये गेट के पीछे का व्यू है जहाँ पे एप्रन एंड लॉक्स मैंने लगा के रखे हैं। वहाँ पर ये भगवान जी हैं मेरे, जैसे कि आप जानते हैं। ये मेरी कबर्ड है, इसका मिरर टूटा हुआ है तो मैंने यहाँ को उसको थोड़ा डेकोरेट करने की कोशिश किया है ताकि थोड़ा बेकार ना दिखे वो। एंड ऊपर सारे कार्टून्स रखे हुए क्योंकि ये पैकिंग अनपैकिंग में यूज़ होते हैं ये। इसके बाद ये सेकेंड कबर्ड है जो इसका मिरर ठीक है। ये मेरा कूलर है, इसको मैंने ढक के इसलिए रखा हुआ ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। और उसके कूलर के ऊपर सामान भी रखा हुआ है क्योंकि वॉशरूम में जगह नहीं है, ना ही कोई रैक है जिसमें आप सामान रख सकते हो। टेबल थोड़ा सा मेसी है तो जस्ट इग्नोर, क्योंकि मैंने इसको ठीक नहीं कर पाया था। ये मेरी साइड टेबल, ये मेरा सूटकेस है पर एज अ साइड बेड साइड टेबल की तरह मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये मेरा प्लांट है यहाँ पर छोटा सा। बेड, क्लीन बेड, ये मैंने स्पेशली वीडियो के लिए साफ किया था। नीचे यहाँ पे मैंने सारे यूटेंसिल्स रखे हुए, प्लेट वगैरह और एक स्टूल। तो मैं आपको अब टूर कराऊंगी वॉशरूम का जो कि अटैच है मेरे रूम में। इवन सब रूम में अटैच ही है यहाँ पर, सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल को छोड़कर वहाँ पे आपको कंबाइन वॉशरूम मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वॉशरूम टूर। वॉशरूम बहुत छोटा सा है बट पर बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छा वॉशरूम है और साफ भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साफ वॉशरूम है। बाकी इसका शावर काम नहीं करता है, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें।